हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हाइलाइटर। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसे हाइलाइटर्स की रिव्यू करूँ जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हो और जिसके बारे में, मतलब जो यूट्यूब में भी जो है ना उसके बारे में नॉलेज बहुत कम हो। तो मैं ऐसे कुछ ऐसे हाइलाइटर सर्च कर रही थी। एक दिन जस्ट मैं ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे हाइलाइटर्स खोज रही थी तो मेरी नज़र एक हाइलाइटर पे पड़ी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी था। गाइज मैं क्या बोलूँ, मैं तो बस उसकी पैकेजिंग देख के मैंने उसे ऑर्डर किया था। मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था और आज जाके मुझे वो पार्सल रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट वालों से। तो जो हाइलाइटर मुझे रिसीव हुआ है वो कुछ इस टाइप की फ्लिपकार्ट की बेसिक सी पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। ये जस्ट फ्लिपकार्ट वालों का बेसिक सा प्लास्टिक है, यहाँ पे उनका बिलिंग एंड ऑल दैट ये सब है। और जो हाइलाइटर्स है वो मुझे कुछ इस कंडीशन में रिसीव हुआ है। बबल रैप के अंदर था ये कुछ इस तरीके से और इसके अंदर से मुझे ये हाइलाइटर कुछ ऐसे रिसीव हुआ है। ये हाइलाइटर मुझे किसी भी कार्डबोर्ड केसिंग के साथ नहीं मिला है, ये हाइलाइटर जस्ट मुझे ऐसे रिसीव हुआ है। लेकिन फ्लिपकार्ट वालों ने इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी की है जिससे ये टूटने वूटने का चांसेस बहुत कम होगा। ये काफ़ी मोटा और बहुत ही स्टडी बबल रैप में इसे जस्ट ये करके मुझे भेजा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये। और ये मतलब जब मैंने इसे ऑर्डर किया था ना तो इसके बारे में जो इसका जो नाम था वो ये मेंशन किया हुआ था कि ये है फ्रॉम दी ब्रांड क्यूब्स हाइलाइटर, क्यूब स्वीट हाइलाइटर। बट जब मुझे रिसीव हुआ तो ये इसके ऊपर ये लिखा था जीना ग्लैम। ये है फ्रॉम दी ब्रांड जीना ग्लैम। अब लोग पूछेंगे जीना ग्लैम कौन सा ब्रांड है? गाइज मैं भी नहीं जानती थी, इवन मैंने बहुत यूट्यूब में इसके बारे में इसका रिव्यू देखने के लिए, बट मुझे कोई भी इंडिया में ऐसी कोई यूट्यूबर नहीं मिली जो इस ब्रांड का एक भी हाइलाइटर या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट रिव्यू की है। एक दो मुझे बस मिला था, वो भी 2015 एंड 16 का प्रोडक्ट था और उन्होंने जो हाइलाइटर रिव्यू किया था वो ये हाइलाइटर नहीं था, इसके अलावा कोई और हाइलाइटर था। तो मैंने जस्ट इसे ऑर्डर किया था। खैर एक्सपेक्टेशन तो मेरा इससे कुछ भी नहीं था, बट आज जब मैंने इसे रिसीव किया और मैंने बस हल्का सा इसे स्वॉच किया अपने हाथों पर, ये बहुत 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 ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइज। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप 100 या 250 के आसपास कोई हाइलाइटर्स चाहते हो ना तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। ये बहुत 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 ही ज़्यादा प्रिटी हाइलाइटर है। बट ये जो हाइलाइटर है ना, मुझे का भी हाइलाइटर आता है इसी शेप में और इसी काइंड ऑफ पैकेजिंग में, और ऑडबो का भी हाइलाइटर आता है, बट वो सारे थोड़े इससे एक्सपेंसिव थे। लेकिन ये जो है ना, ये इनफैक्ट इसका साइज भी ना उन सब के मुकाबले थोड़ा छोटा है, क्योंकि आप देखो ये जस्ट मेरे पाम के साइज का है। लेकिन ये कुछ इस टाइप का हार्ट शेप में है और इसकी जो बॉडी है ये कार्डबोर्ड की नहीं है, ये पूरी पूरी मेटालिक है। अगर आप सुन सकते हो तो इसकी आवाज, ये पूरी मेटालिक फ्रेम मेटालिक बॉडी में है और इसकी जो मतलब पैकेजिंग है ना वो बहुत स्टर्डी है। ये कुछ इस टाइप से खुलता है, ऐसे ही खुलता है और देखो ये गिर भी नहीं रहा है। मतलब ये बहुत अच्छे से वेल पैक्ड है और इसकी जो कैप है, कैप भी ये तो पूरी मेटालिक है और ये जो है ये कुछ ग्लास या फाइबर काइंड ऑफ कुछ है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी इसका ये है पैकेजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसे अपने पाउच में या फिर बैग में रख के आप कहीं भी जा सकते हो क्योंकि ये जल्दी खुलता नहीं है, बहुत फ्लिम्सी नहीं है इसकी पैकेजिंग, बहुत अच्छी पैकेजिंग है। बात करते हैं कुछ इन्ग्रीडियंट्स के बारे में। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो इसके जो इस पे जो लिखा हुआ है वो पूरा पूरी थाई में लिखा हुआ है, बट इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें माइका है, नायलॉन है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, उसके बाद से आपका पॉलीब्यूटेन है, उसके बाद से मिथाइल पैराबिन है, सिलिका है, और भी बहुत कुछ सारे ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन है। और ये करूँ तो गाइज हमेशा फ्लिपकार्ट वालों के साथ मुझे एक ही कंप्लेंट रहता है कि यार मैं जो शेड मेंशन करती हूँ, मैं जो शेड ऑर्डर करती हूँ वो शेड ये लोग मुझे देते ही नहीं है। इनके पास मतलब जो भी रहता है ये उठा के दे देते हैं। तो इसके साथ भी मेरा सेम कहानी है, मैंने ऑर्डर किया था कुछ और मुझे दिया है कुछ और, क्योंकि इसमें जो है इसमें मैं बस एक कलर यूज़ करूँगी वो है ये, क्योंकि ये दोनों शेड में मैं हाइलाइटर वेयर नहीं करती हूँ। अगर टैन लुक वगैरह, बीच लुक वगैरह कुछ करना होता है तो मैं बस ये हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इन दोनों से कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा थोड़े से लाइट और थोड़े से मतलब
जो फेस पे विजिबल हो, मैं वैसे हाइलाइटर्स यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत प्रिटी शेड है, ये अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा है गोल्डन शेड में है, थोड़ा ब्राउन है बट इसमें गोल्डन शीन ज़्यादा है। सेकंड वाला जो शेड है वो थोड़ा ब्राउन अंडरटोन में है, लाइक फेयर पीपल वाले इसे एज अ ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मतलब और ये दोनों जो शेड है ना वो डस्की टोन की जो गर्ल्स है, जो लाइक थोड़ी सी ब्राउन अंडर टोन की लड़कियां हैं, वो ये दोनों हाइलाइटर बहुत बहुत अच्छे से वेयर कर सकती हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा देखने में। बट ये जो कलर है ना ये बहुत ही प्रिटी शेड है, ये दिखने में लग रहा है आपको व्हाइट बट एक्चुअली में ये व्हाइट नहीं है, इसके अंदर एक हल्का गोल्डन शीन है, मतलब बहुत ज़्यादा चंकी भी नहीं है ये हाइलाइटर्स, बहुत बहुत नेचुरल सा, बहुत माइल्ड सा शाइन देते हैं आपके फेस पर, बहुत ही नेचुरल लगता है देखने में। तो ये थी इनकी तीन शेड्स और मुझे तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आया, बट यहाँ पर मुझे एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ रहा है। ये हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, इसकी डेट है 5/2/2018 और एक्सपायरी डेट है इसकी 4/2020। इसे आप बहुत अच्छे से 5 साल यूज़ कर सकते हो, तो मतलब और क्या चाहिए यार। इस हाइलाइटर के केस में ये चीज़ बहुत अच्छा है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी शेल्फ लाइफ है, आप 5 साल इस हाइलाइटर को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड 230-250 में अगर आपने हाइलाइटर लिया भी है, 200 में अगर आपने हाइलाइटर लिया भी है, तो उसे आप 5 साल यूज़ करोगे मतलब पैसा वसूल हो जाएगा आपका। 3 साल भी अगर आपने यूज़ कर लिया तो इसमें बस अच्छा है, बस मतलब आप समझो कि आपका पैसा वसूल हो गया, क्योंकि अब लड़कियां ना बहुत जल्दी ना प्रोडक्ट से बोर हो जाती है ऐसे भी। तो ये था शेड, मैं आपको इसकी स्वॉचेस दिखाती हूँ, लाइक ये फर्स्ट वाले की स्वॉचेस मैं दिखाती हूँ। ये है थोड़ा सा गोल्डन अंडरटोन ब्राउन है ये, तो मैं इसे दिखाती हूँ। पिगमेंटेशन यू गाइज इतना प्रिटी है, आप देखो एक एक स्वाइप में ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत 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 ज़्यादा। तो मैं इसकी स्वॉचेस दिखाती हूँ, जस्ट मैंने टच किया है और इसका पिगमेंटेशन देखो इतना ज़्यादा है, देखो आप। फिर मैं ये सेकंड वाले को स्वॉच करती हूँ, ये है थोड़ा सा ब्राउन अंडरटोन में, थोड़ा ब्राउन कलर का ये हाइलाइटर है, ये मैंने एक स्वाइप में लिया है और मैं यहाँ पे स्वॉच करती हूँ। अमेजिंगली पिगमेंटेड है गाइज, ये बहुत 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 अच्छे हाइलाइटर्स है, आप इसके साथ जा सकते हो। उसके बाद ये थर्ड वाला, ये तो मेरा फेवरेट है, मैंने बस हल्का सा इसे किया है और ये देखो ये सबसे ज्यादा पिगमेंटेड है। ये सबसे कम पिगमेंटेड जो है वो ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला बहुत बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। मैं दिखाती हूँ उसके स्वॉचेस, बस इसे तो ये शेड तो मेरा जस्ट फेवरेट ही हो गया। ये देखो अब देखो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है गाइस, बहुत 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 ज़्यादा प्रिटी है। मतलब नॉर्मली ना ऐसा इस शेड में हाइलाइटर्स बहुत कम मिलते हैं जिसमें आपको गोल्डन शीन देखने को मिलती है, मतलब पैकेजिंग से ले लो, प्रोडक्ट की क्वालिटी ले लो, मतलब बहुत ही सब में ये बेस्ट है। तो मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये फेस पे कैसा लगता है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला कंसीलर ब्रश। हाँ सॉरी, मैं कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फैन ब्रश से नहीं अप्लाई करना, क्योंकि फैन ब्रश से अप्लाई करूँगी तो ये दो शेड भी आ जाएंगे, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस ये वाला शेड अप्लाई करना है। इसलिए मैं इस कंसीलर ब्रश को ले रही हूँ। मैंने इसे जस्ट हल्के से अप्लाई किया, इसमें कोई फॉल आउट भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली पिगमेंटेड है गाइज। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो शीन बहुत बहुत ज्यादा ही पिगमेंटेड है। ये देखो बहुत ज्यादा चौकी नहीं है, बहुत ज्यादा चंकी ग्लिटर्स नहीं है, बहुत हल्का माइल्ड सा शाइन देगा आपके फेस पे। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हाइलाइटर है गाइज आप, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा चटकता भटकता हाइलाइटर पसंद नहीं है, मुझे ये माइल्ड हाइलाइटर ही पसंद है ताकि मैं इसे अच्छे से वेयर करूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, आप देखो देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ये देखो। इनर कॉर्नर्स में भी मैंने यही हाइलाइटर से आज हाइलाइट किया है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बहुत बहुत प्रिटी हाइलाइटर है ये। लाइक सी आप देख सकते हो एक हल्का ग्लो मेरे फेस पे, एक नेचुरल ग्लो।
उसे ब्राउ बोन। मैं तो हाईलाइटर में पूरा नहा ली हूँ आज। सो गाइस आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, मैं दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शाइन है इसका, कोई आर्टिफिशियल लुक नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंगली पिगमेंटेड है। अगर किसी को मेरी तरह नेचुरल हाईलाइटर, नेचुरल शाइन चाहिए फेस पे, तो आप इस हाईलाइटर के साथ जा सकते हो। बहुत ज़्यादा चौकी नहीं है, बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं है, इसमें चंकी ग्लिटर्स नहीं है, तो ये प्रोडक्ट अगर आप 230 या 240 में लेते हो तो दी बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा।